राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ताइवान के एकीकरण के ख्वाब को अमेरिका ने गहरा धक्का पहुंचाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेबाक लहजे में कहा है कि यदि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान पर हमला करती है तो अमेरिका सेना ताइपे की रक्षा के लिए आएगी। जो बाइडेन का यह बयान ऐसे समय आया है जब ताइवान पर हमला कर उसे चीन के साथ एकीकरण को लेकर बीजिंग प्रशासन की तैयारी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। गौरतलब की बात यह है कि यह चौथी बार है जब जो बाइडेन ने ताइवान की रक्षा करने का संकल्प कड़े शब्दों में जाहिर किया है। इसके पहले व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा था कि ताइवान को लेकर अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।